प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। प्रियंका की तरफ से आज मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट की मिठाई। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। जब भी कोई फेस्टिवल है आप इसे बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट से ये भरा होता है और टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। या फिर इसे जाड़ों के दिन में बनाकर आप स्टोर करके रखें, और जब भी मतलब आपको कमजोरी लगती है या फिर बहुत थकान महसूस होता है तो इसे आप खा सकते हैं। ये बहुत फायदेमंद होती है। यहाँ पर मैंने पिन खजूर लिया है और ये 1 कप से थोड़ा सा कम है। अब क्या करूँगी, इसके बीज को मैं निकाल दूंगी और सिर्फ गूदे को ही मैं मिक्सी जार में रख रही हूँ। तो मिक्सी जार में मैं इसे पीसूंगी। तो सभी को मैं निकाल कर मिक्सी जार में रख ली हूँ। अब इसे मैं पीस लेती हूँ। तो जब ये पीस जाएगा तो इस तरह से पेस्ट बन के ये तैयार होता है। अब मैं इसे एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। यहाँ पर अब लेना है फ्राई पैन या कोई कढ़ाई। उसके बाद इसमें रखना है 1 कप मखाना। अब यहाँ पर लेना है ड्राई फ्रूट। तो काजू है, बादाम है, अखरोट है, इसे मैं रख लूंगी माप में। और ये 1/2 कप है तो सभी चीज माप कर ही लेनी है। तो यहाँ पर सिर्फ काजू से बना सकते हैं या फिर काजू बादाम के साथ या फिर अखरोट के साथ या फिर इसमें पिस्ता भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन 1/2 कप ही लेनी है। और 1 कप लेना है मखाना। सभी को धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है। तो ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये रोस्ट हो चुकी है। गैस को बंद कर देना है। अब इसे मैं मिक्सी जार में रखकर इसका मैं पाउडर तैयार कर लेती हूँ। तो बहुत महीन पाउडर नहीं बनाना है, इसका दरदरा सा मैं पाउडर तैयार कर चुकी हूँ। तो इस तरह से दरदरा होना चाहिए। अब एक कपड़े से पैन को साफ कर लूंगी। उसके बाद गैस को ऑन करूंगी। फिर इसमें रखूंगी 2 चम्मच घी। आप चाहे तो घी को स्किप भी कर सकते हैं या फिर 2 चम्मच की जगह पे 3-4 चम्मच घी ले सकते हैं। यहाँ पर ये घी गर्म हो चुकी है। अब इसमें रखना है 1 चम्मच खसखस। खसखस को बहुत ज्यादा भूनना नहीं है, कुछ सेकेंड के लिए मैं इसे भूनूंगी इसमें। उसके बाद गैस को बंद कर दूंगी। तो घी गर्म है, पैन गर्म है। अब इसमें रख देना है खजूर। तो ये पिसा हुआ खजूर है। गैस को बंद करके ही रखना है। अगर गैस ऑन रहेगा तो खजूर का टेस्ट बदल जाएगा। तो यहाँ पर अब सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद रखूंगी मैं ड्राई फ्रूट का पाउडर। तो यहाँ पर सभी पाउडर को रख देनी है। मिक्सी जार में जो भी थोड़ा सा लगा हो सभी को रख देनी है अच्छे से। उसके बाद इसे मिक्स करना है। तो यहाँ पर चाहे तो हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं या फिर चाहे चम्मच से मिक्स कर सकते हैं। गैस बंद है और बंद में ही इसे मिक्स करनी है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने इसे मिला लिया है और ये एक तरफ हो चुकी है। अब यहाँ पर मतलब कोई भी प्लास्टिक ले सकते हैं, जो कपड़े वाली आती है वो प्लास्टिक ले सकते हैं या फिर बटर पेपर, कुछ भी लेना है। उसके बाद जो ये मिक्सचर है उसमें रख देनी है। तो सभी को मैंने रख दिया है। अब इसे हाथों से मिलाऊंगी और मिलाते हुए इसका रोल बनाऊंगी। तो कोई मतलब जैसा माने, जैसे कोई मोटा बनाता है, कोई पतला बनाता है, या फिर इसे थाली में भी सेट किया जा सकता है। तो जैसा माने वैसा बना सकते हैं। यहाँ पर मैं पतला ही बनाऊंगी, देखने में भी अच्छी लगती है और मतलब बच्चे लोग को भी पसंद आती है। तो यहाँ पर ये रोल बन के तैयार हो चुकी है। अब इसे मैं बटर पेपर में अच्छे से रोल करूंगी। तो रोल करने से एक शेप आ जाता है। आप चाहे तो थाली में भी इसे जमा सकते हैं या फिर किसी प्लास्टिक में भी इसे रोल कीजिएगा तो अच्छे से रोल हो जाती है। अब दोनों तरफ से इसे मैं बंद कर देती हूँ। और यहाँ पर देखिए रोल तैयार हो चुका है। इसे मैं फ्रिज में रखूंगी। फ्रीजर में नहीं रखनी है, सिर्फ फ्रिज में रखनी है, वो भी आधे से 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था और ये हार्ड हो चुकी है। अब इसे मैं कट करूंगी। तो एक नाइफ के सहारे ये आसानी से कट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखने में भी और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। तो ड्राई फ्रूट से ये भरा हुआ है तो टेस्टी तो होती है, साथ में ये मजेदार फायदेमंद भी होती है। तो खुद भी खाए, बच्चों को भी खिलाए। तो यहाँ पर देखिए ये तैयार है। अब इसे मैं एक प्लेट में रख लूंगी। इसमें जो खसखस का टेस्ट है बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब रोस्टेड रहता है, बहुत ही टेस्टी होती है। तो इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और सभी चीज़ माप के बनाइएगा तो बहुत ही अच्छी बनेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी ये कितना ड्राई अंदर से है। तो बहुत ज़्यादा पिन खजूर नहीं रखनी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गीला बनता है तो मज़ा नहीं आता है। तो इस तरह से बनाएंगे तो ये मतलब अच्छा बन के तैयार होगा। और ये देखिए कितना ड्राई है। तो इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।